गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण का पार्ट 2 दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हम देख चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और उसके प्रकार। उसके प्रकार में एक अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया मतलब ऑक्सीजेशन और रिडक्शन अभिक्रिया। तो ऑक्सीजेशन जो रिएक्शन है, उपचयन अभिक्रियाएं हैं, इसके हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं, मतलब हमारे डेली लाइफ रूटीन को किस प्रकार से ऑक्सीजेशन अफेक्ट करता है। इसमें फर्स्ट है संक्षारण और सेकंड है विकृत गंधिता। संक्षारण मतलब कोरोइजन और विकृत गंधिता मीन्स रैंसिडिटी। आगे हम देखते हैं कोरोइजन या संक्षारण किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। जब कोई धातु या मेटल अपने आसपास अम्ल, नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, जब कोई मेटल अपने एनवायरनमेंट के अंदर एसिड या फिर हाइड्रेट के कांटेक्ट में आती है, तब धातु की ऊपरी सतह नष्ट होने लगती है या अपघटित होने लगती है। तो धातु की जो अपर सरफेस है वो कमज़ोर होने लगती है, वीकन होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसके एग्जांपल हमने लिए लोहे पर जंग लगना। जब लोहे पर जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं इसको, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब लोहे पर जंग लगता है तो लोहे पर जो जंग लगी परत होती है वो लोहे की तुलना में काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और लोहे की सतह को वो कमज़ोर करती है, वीकन कर देती है। उसी प्रकार चांदी के आभूषणों का काला पड़ना, ये भी एक कोरोजन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। आपने देखा होगा अपने घर के अंदर जो चांदी के आभूषण है कुछ समय पश्चात वो काले पड़ने लग जाते हैं, मतलब वायु की उपस्थिति में उनका भी क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, उनकी ऊपरी सतह विघटित हो रही है, वीकन हो रही है। या हम कह सकते हैं कि लोकल लैंग्वेज बोलते हैं कि चांदी के जो आभूषण वो घिस रहे हैं। इसी प्रकार से तांबे पर हरी परत का जमना, जब तांबे के बर्तन हमारे घर के अंदर होते हैं, हम देखते हैं कुछ समय पश्चात जब वो एटमॉस्फेयर में रखे रहते हैं तो उनके ऊपर हरी परत जम जाती है। ये हरी परत क्या होती है, एक प्रकार से जो कॉपर मेटल है उसका कोरोजन है, उसका संक्षारण होता है। फिर नेक्स्ट है टॉपिक आपका रैंसिडिटी मतलब विकृत गंधिता। रैंसिडिटी क्या होती है बेटा, जब कोई फैटी या फिर ऑयली फूड मटेरियल होता है उसका ऑक्सीजेशन हो जाता है और ऑक्सीजेशन होने के कारण वो खाने योग्य नहीं रहते, ठीक है, इसका टेस्ट और स्मेल दोनों बदल जाते हैं, इसको बोलते हैं रैंसिडिटी। हम फिर से देखते हैं इसको, जब तेलीय या वसीय पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो ये पदार्थ खाने योग्य नहीं रहते हैं, इनका स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं, इसे बोलते हैं विकृत गंधिता। अब इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं वो देखते हैं। विकृत गंधिता या रैंसिडिटी को रोकने के उपाय, इसके कुछ उपाय हैं जिसके द्वारा रैंसिडिटी को हम रोक सकते हैं। पहला है प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजेशन की रेट को कम कर देते हैं। जब खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है तो ये खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की दर को कम कर देते हैं, मतलब ऑक्सीजन की जो रेट है उसको ये कम कर देते, स्लो कर देते हैं, जिसके कारण खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खराब नहीं होते और उनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। सेकेंड स्टेप है इसमें नाइट्रोजन गैस। जब कोई आपने देखा होगा जैसे चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं तो उसके अंदर चिप्स के पैकेट के अंदर गैस भरी होती है, वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस। तो उसमें है बाई पैकिंग फैट एंड ऑयली कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। जो चिप्स वगैरह फैट से बने होते हैं तो ये क्या करते हैं इसके अंदर कि इसमें नाइट्रोजन गैस को पैक करते हैं ताकि नाइट्रोजन गैस इनएक्टिव होती है और ये ऑक्सीजन का इन सब्सटेंस से रिएक्शन नहीं होने देती। जब रिएक्शन नहीं होगी तो इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसलिए नाइट्रोजन गैस पैक करने से वो भोजन पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। नाइट्रोजन गैस को जब हम चिप्स के पैकेट में डालते हैं इसका रीज़न यही होता है कि नाइट्रोजन गैस अनएक्टिव गैस होती है और ये जो फूड मटेरियलों को लंबे समय तक
सुरक्षित बनाए रखती है, उनका ऑक्सीडेशन होने से रोकती है। फिर नेक्स्ट है इसमें भोजन को फ्रिज में रखकर, बाय कीपिंग फूड इन ए रेफ्रिजरेटर। अगर हम भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है और टेम्परेचर कम होने के कारण ऑक्सीडेशन की रेट भी कम हो जाती है। इसलिए हम भोजन को अगर फ्रिज में रखते हैं तो भोजन को हम लंबे समय तक खराब होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर भी हम रैंसिडिटी को कम कर सकते हैं या फिर विकृत गंधिता की दर को कम कर सकते हैं। बाई स्टोरिंग फूड्स इन एयर टाइट कंटेनर्स, जो हमारे एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर फूड रखते हैं तो लंबे समय तक ठीक रहते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। ये हैं आपके रैंसिडिटी और उसके ट्रीटमेंट्स, उसको रोकने के उपाय। आज के टॉपिक में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट में हम करेंगे रासायनिक समीकरण और उसको बैलेंस्ड करना। इसमें आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आपने कमेंट्स में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।